We're joined now by Sunita Duggal. She's a member of parliament and committee member of the ethics committee that recommended the expulsion of Mahua Maitra. Sunita ji, aapka swagat hai India Today par. Mera pehla sawal, Sunita ji, ye hai ki Mahua Maitra ka jo bayan tha expulsion ke baad, aapne suna hoga, unka kehna hai ki ye ek kangaroo court hai aur ethics committee ka koi jurisdiction nahi hai aisa recommendation karne ka. आप इसका क्या रिएक्शन देंगे सुनीता जी? देखिए, एथिक्स कमेटी का मतलब ही ये है कि आप पार्लियामेंट के अंदर जो है वो कितना एथिकल है और कितना अनएथिकल है, तो इसीलिए ये इस कमेटी का गठन किया गया है और इसमें उनको पूरा मौका मिला. और इसके साथ साथ जो है जो जयंत दहेदराय जी हैं और निशिकांत जी हैं, उनको भी पूरा मौका मिला अपनी बात को रखने का. और उन सब जो है जितने भी वहां पर मेंबर्स थे, उन सब ने भी जो है उनसे क्वेश्चंस किए और उन्होंने अपने अपने बिहाफ पर जो है उसका रिप्लाई भी किया. और खुद जो है महुआ जी ने इस बात को माना है कि उन्होंने कुछ जो है कुछ ये कह सकते हैं कि इन काइंड, जैसे कि कोई स्कार्फ का उन्होंने एडमिट किया कि मैंने जो लिया था, और उन्होंने एडमिट किया कि कोई लिपस्टिक है वो उन्होंने ली थी. और जो लोकल वहां पर जो गाड़ी के लिए, जैसे कार के लिए उन्होंने कहा कि वो भी उन्होंने फैसिलिटीज जो है वो अवेल की थी, तो ये चीजें उन्होंने खुद एडमिट की हैं. और बहुत से क्वेश्चंस ऐसे थे कि जिनका वो सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई नहीं कर पाई, तो फिर वो मुझे लगता है कि शायद वो नहीं ठीक से रिप्लाई कर पाई, तो इसलिए वो एकदम से फिर उन्होंने जो वॉकआउट किया और जो है कमेटी से वो बाहर चली गई. और लेकिन मौका उनको पूरा मिला अपनी बात को रखने का. और मुझे लगता है कि उस मौके को जितना फायदा उनको उठाना चाहिए था वो उतना उन्होंने उठाया नहीं, क्योंकि जब आपके पास सभी मेंबर्स हैं वहां पर और सभी क्रॉस द पार्टी लाइन वहां पर मेंबर्स हैं, तो उनको अपनी बात को जितना वो चाहती है अच्छे तरीके से रखने चाहिए था. इंस्टेड ऑफ के आप वॉकआउट करके चले जाओ, तो उससे तो कोई पर्पज हल नहीं होता है. तो उनको पूरा मौका मिला था, लेकिन उन्होंने जो है, मुझे लगता है कि वो शायद उनके पास जो है वो सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई नहीं थे, इसलिए जो है वो वॉकआउट कर गए. सुनीता जी, ये एथिक्स कमेटी का रिपोर्ट टेबल होने के बाद क्या आपको नहीं लगता है कि थोड़ा समय डिबेट के लिए रिजर्व होना चाहिए था? विपक्ष का कहना है कि 2-3 दिन के लिए डिबेट हो जाए, क्योंकि ये एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ये एक ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इसलिए इस पे कुछ डिबेट हो जाए. लेकिन ऐसा लगता है कि रिपोर्ट टेबल होने के बाद एक ही घंटे के अंदर उनका एक्सपल्शन हो गया, तो एक जल्दबाजी में हो गया, ये एक परसेप्शन है और एक आरोप भी है. देखिए, ये सब कुछ, चाहे जयंत दहेदराय जी की बात करें, चाहे जो हीरा नंदानी जी ने जो एफिडेविट दिया, चाहे जो भी निशिकांत दुबे जी ने कहा, वो सब का सब ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में था. इसके बाद केवल और केवल रिपोर्ट जो ऐसी थी कि जिसको जो है वो टेबल किया गया, तो उस रिपोर्ट के अंदर उन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए उन्हीं के बेसिस के ऊपर ही जो है वो रिकमेंडेशन की गई थी. तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ था कि रिपोर्ट को जो है वो 2 घंटे के अंदर पढ़ने के बाद उसके ऊपर कोई ना कोई, अगर हम अगर काउंटर क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो वो ना कर सके. सुनीता जी, क्या आपको लगता है कि बहुआ महित्रा को जब ये रिपोर्ट टेबल हुआ था, उनको एक स्टेटमेंट या बयान करने की इजाजत देनी चाहिए थी पार्लियामेंट में, क्योंकि वो बाहर जाके बयान दे रही है, लेकिन एज एन ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक्सपल्शन के पहले उनको परमिशन देनी चाहिए थी? क्या आपको लगता है ये? देखिए, सभी चाहे रिपोर्ट्स की बात करें या कि जो कुछ भी जो है उन्होंने जो एथिक्स कमेटी के सामने रखा, वो सबका सब उन्होंने अपनी पार्टी फोरम पर भी रखा होगा मुझे जहां तक लगता है, क्योंकि उनके जो एक पार्टी के जो मेंबर थे उन्होंने उनके बिहाफ पर सभी बातों को रखा वहां पर. उनको जब एथिक्स कमेटी में मौका मिला था सभी बातें रखने का, तो यहां पर उनकी जो है उनकी पार्टी के एक सदस्य ने उनके बिहाफ पर सभी बातों को रखा था. सुनीता जी, हमारे पार्लियामेंट रिपोर्टर पोलोमी साहब भी हैं हमारे साथ. पोलोमी, गो अहेड, आस्क योर क्वेश्चन टू सुनीता दुग्गल. सुनीता जी, आपने जो विपक्ष का कहना है, उनका कहना है कि आपने दर्शन हीरा नंदानी के स्वोन एफिडेविट को फेस वैल्यू पर ले लिया. दर्शन हीरा नंदानी ने कमेटी के सामने डिपोज भी नहीं किया.
कोर्स ऑफ नेचुरल जस्टिस ये कहता है कि अगर एक ब्राइब गिवर है और एक ब्राइब टेकर है तो ब्राइब गिवर को भी आप कटघरे में खड़ा करते हो। दर्शन हीरानंदानी से कोई सवाल जवाब नहीं हुआ, उन्होंने कैश का जिक्र नहीं किया था, उन्होंने दो चार लग्जरी आइटम्स और ट्रैवल एक्सपेंसेस और हॉलीडेज के लिए मैंने पे किया ये कहा है, पर इसका सबूत कहाँ है? क्या उन्होंने आपको कोई आइटमाइज लिस्ट दी है कि क्या क्या गिफ्ट दिए उन्होंने महुआ मोइत्रा को, तो उनसे कोई सवाल जवाब क्यों नहीं? देखिए ऐसा है कि इसमें दो तीन तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो जो है राइज होते हैं। नंबर एक बात तो ये है कि क्या कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपना पर्सनल जो पार्लियामेंट का लॉगिन आईडी है वो किसी को दे सकता है, और वो भी किसी कॉरपोरेट सेक्टर को, अपने किसी पीए को भी आप रखते हैं, पीएस को भी आप रखते हैं, तो वो आपके घर से सब चीज़ों को ऑपरेट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो यही उठता है कि क्या जो है कोई कॉरपोरेट सेक्टर जो है इस तरह के उसको आप अपना लॉगिन आईडी दे सकते हैं, नंबर एक बात यह है। नंबर दूसरी बात यह है कि एक ही समय पर अलग अलग कंट्रीज से जो है वो आपके लॉगिन पासवर्ड से जो है वो उसको इस्तेमाल किया जा रहा है और उससे क्वेश्चंस जो है वो पूछे जा रहे हैं। एक ही टाइम में आप यूएस से आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपके दुबई से आ रहे हैं, आपके दिल्ली से आ रहे हैं, आपके मुंबई से आ रहे हैं, तो ये सब चीजें जो है काफी संशय पैदा करता है। अब दूसरी बात आती है कि आपने पूरे अपने टेन्योर में 60 क्वेश्चंस जो हैं वो पुट किए और उसमें से 51 क्वेश्चंस जो हैं वो उस कॉरपोरेट सेक्टर के जो है जिस बिजनेस में वो बिलोंग करते हैं, जिस बिजनेस में वो हैं, उस बिजनेस से रिलेटेड आप क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। क्या आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं जिन लोगों को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं? 17 से लेकर 18 लाख 20 लाख के करीब लोगों को आप रिप्रेजेंट करते हैं, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में आपके पास एक भी सवाल नहीं है क्या? तो ये दूसरी बात है। तीसरी बात फिर ये आती है कि जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने एडमिट किया कि हाँ कि उसी कॉरपोरेट सेक्टर से उन्होंने कुछ जो भी चीजें उन्होंने एडमिट की कि हाँ मैंने ये स्कार्फ लिया, मैंने जो है वहां पर गाड़ी का इस्तेमाल जो है मैंने उनकी तरफ से करवाया, मैंने जो है ब्यूटी के कुछ आइटम्स जो हैं वो मैंने उनसे लिए, उन चीजों को उन्होंने एडमिट भी किया। तो ये तीन अलग अलग तरह के सवाल हैं। तो मुझे लगता है इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ये लगता है ऐसा कि किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, किसी जनप्रतिनिधि को सदन की मर्यादा, सदन की गरिमा को ध्यान में रखते हुए जो है वो आचरण करना चाहिए, क्योंकि जैसा आपका आप एक प्रतिनिधि होने के नाते आप आचरण करते हैं, आपके जो आपके इलाके के लोग हैं, लोग आपको अब देखते हैं, आपके ना केवल पूरे हिंदुस्तान के अंदर बल्कि बाहर में, दुनिया में बाहर भी जो है वो देखा जाता है कि पार्लियामेंट के अंदर क्या चल रहा है, पार्लियामेंट के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो उनका बिहेवियर कैसा है, उनका आचरण कैसा है। तो अगर आपका ऐसा आचरण रहेगा तो आपके जो वहां पे जो फॉलोअर्स हैं उन सबके ऊपर क्या असर पड़ेगा, कहाँ पर आपकी सदन की गरिमा है, कहाँ आपकी मर्यादाएं हैं, तो ये सब जो है वो जिम्मेवारी बनती है एक पब्लिक फिगर की, एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव की, कि वो इस तरह का आचरण करें कि ताकि लोग उनको फॉलो करें। सुनीता जी एक आखिरी सवाल, एक सवाल ये भी उठेगा कि एथिक्स कमिटी एक सेलेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ एक्शन कर रहा है, क्योंकि क्योंकि महुआ मैत्रा के अलावा और भी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं जिनका दुर्व्यवहार को लेकर यू नो काफी काफी चर्चा हुआ है मीडिया में, पब्लिक स्पेस में, लेकिन एथिक्स कमिटी उनके खिलाफ कुछ नहीं करता, इसको आप कैसे डिफेंड करेंगे? सेलेक्टिव लगता है, ये भी एक आरोप है आपके खिलाफ। देखिए ऐसा है कि किसी के साथ व्यवहार जो है वो आमने सामने किसी का दुर्व्यवहार हो सकता है, किसी का सदव्यवहार हो सकता है, लेकिन जो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के नाते आपकी जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जो उसमें आपका जो आचरण होना चाहिए, कि वो उसके अंदर अगर कहीं संशय नजर आता है तो मुझे लगता है कि वो बहुत सीरियस मैटर है, उसको बहुत सीरियसली जो है वो नोटिस किया जाना चाहिए। और इसीलिए जो है इसके अंदर एथिकल जो हमारी एथिक्स की कमेटी है उन्होंने सबको प्रॉपर टाइम देने के बाद जो है उनको सबको सुनने के बाद अपनी रिपोर्ट पेश की। सुनीता जी थैंक यू वेरी मच फॉर स्पीकिंग टू इंडिया टुडे, हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद।